हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम सा। मिनस किचन एंड मोर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं खांडवी। खांडवी बनाने के लिए हम लोग लेंगे बेसन। ये मैंने आधा कप जितना बेसन लिया है। दही, यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितना दही लिया है। पानी, यहाँ पर मैं सेम क्वांटिटी का पानी लूंगी, जितना हमने बेसन लिया है उतना ही पानी लेंगे। हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून, मिर्ची पाउडर 1/4 टेबल स्पून, आप चाहो तो 1/2 टेबल स्पून भी ले सकते हो। नमक स्वादानुसार, जितनी जरूरत है हम उसके अनुसार इसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने अदरक को क्रश किया है, आप चाहो तो इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हो, बट मैं यहाँ पर सिर्फ अदरक ले रही हूँ। तो ये 1 टीस्पून जितना मैंने अदरक यूज किया है। और हींग लेंगे हम लोग 1/4 टीस्पून जितना। ऊपर से तड़का देने के लिए हम लोग ऑयल यूज करेंगे, यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून जितना ऑयल लिया है। यहाँ पर राई ली है मैंने 1/4 टेबलस्पून और तिल, व्हाइट तिल 1/2 टेबलस्पून। तो सबसे पहले हम मिश्रण तैयार करेंगे। बेसन, दही, ये गुजरात की बहुत ही फेमस डिश है, सो बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। इसमें हम पानी मिलाएंगे, मिर्ची पाउडर एकदम थोड़ा सा यूज कर रही हूँ, हल्दी पाउडर 1/4 टेबल स्पून जितना, नमक, अदरक मैश हुई है पूरी, क्रश की हुई एकदम अच्छे से ग्रेट किया हुआ, थोड़ी सी हींग। तो पहले हम लोग एकदम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, इसमें कुछ भी लम्स नहीं होने चाहिए। ये बहुत ही टेस्टी डिश है, अगर आप इसको एक बार बनाकर खाओगे तो इसको बार बार खाने की इच्छा होगी। ये गुजरात की बहुत ही पसंदीदा सबकी और फेमस डिश है वहाँ की। इसको अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं, इसको कढ़ाई में भी बना सकते हैं और माइक्रोवेव में भी बनता है, कुकर में भी बनता है। तो फिलहाल हम इसको कढ़ाई में बनाएंगे, तो अभी हम इसको पैन में डालेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने नॉनस्टिक पैन लिया है, गैस ऑन कर लूँगी मैं। ये जो हमारा बैटर है हम इसको इसमें डाल देंगे। इसको हमें मीडियम फ्लेम पे रखना है, इसको चलाते रहेंगे हम। फ्रेंड्स, ये रेसिपी सिर्फ ऐसा नहीं कि बड़ों को ही अच्छी लगेगी, ये बच्चों को भी पसंद आएगी और बड़ों को भी पसंद आएगी। आप अपने हिसाब से इसमें कम ज्यादा मिर्ची डाल सकते हैं। देखिए किस तरह से एकदम गाढ़ा होता जा रहा है हमारा पेस्ट। इसको एकदम परफेक्ट बनाने के लिए इसके पीछे एक हमारी ट्रिक है, वो जरूर फॉलो करना। वो टिप अगर आप फॉलो करोगे तब आपकी जो खांडवी है बहुत ही अच्छी परफेक्ट निकलने वाली है। देखिए गाढ़ा होता जा रहा है और बहुत ही स्मूथ पेस्ट बनता जा रहा है। इसको चेक करने का भी हमारा एक ट्रिक रहता है, वो आप जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, बेसन अलग अलग तरह के होते हैं। कोई बेसन होता है बहुत ही अच्छी क्वालिटी का रहता है, जो पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, और कोई बेसन होते हैं जो कि मिलावटी भी होते हैं, तो उसकी वजह से उसमें, जैसे हम लोग रेडीमेड लाते हैं तो उसमें फिर पानी हम कम डालते हैं, वो इतना गाढ़ा नहीं होता है, अगर ज्यादा डालते तो एकदम गीला हो जाता है। तो अगर आपके पेस्ट में अगर ऐसा लगता है कि पानी कम है या ज्यादा है, तो आप उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पर गैस कम करूंगी। अभी इसको चेक करने के लिए हम एक प्लेट लेंगे। यहाँ पर मैंने एक थाली ली है और इसके ऊपर मैं इस तरह से स्प्रेड करूंगी। देखिए स्प्रेड किया, एकदम थोड़ा सा ही मैंने किया है। इसको ठंडा होने देंगे हम लोग। देखिए ठंडा हो गया है, अब मैं इसको जस्ट अपने उंगली की सहायता से इसको, ये देखो ये निकाल रही हूँ, आप देख रहे हो ये बिना स्टिक हुए निकल रहा है। इसका मतलब हमारा बेसन पक चुका है, तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको गैस को बंद कर देंगे और इमीडिएटली इसको हमें अपने थाली पे स्प्रेड करना है। तो मैं इसी थाली पे स्प्रेड करूंगी।
देखिए यहाँ पर मैं दो थाली यूज कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट थाली पे इस तरह से स्प्रेड कर दूंगी। बहुत ही संभाल के, ये गरम गरम होगा तभी आपको स्प्रेड करना है। देखिए इस तरह से, इसमें ग्रीस करने की जरूरत नहीं आपको प्लेट को, हमने बिना ग्रीस किए ही चेक किया था। ठंडा होने से पहले हमको इसे स्प्रेड करना है एकदम अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये जो थाली है वो तैयार हो चुकी है। आपको जिस तरह से मैंने बोला है कि बेसन का ध्यान रखना है, आप चाहो तो इसमें जितना बेसन लेते हो उतना ही पानी और उसका आधा दही इस तरह से ऐड कर सकते हो। सो अब हम इसको एकदम अच्छे से कट करेंगे। मैं पहले इसके कॉर्नर्स निकाल देती हूँ। ये देखिए इस तरह से, ये कितना अच्छे से निकल रहा है। ये इसको दोनों हाथों की सहायता से आप इस तरह से राउंड करते रहिए। ये देखिए बहुत ही आसानी से निकल गया। आप सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि मेरी खांडवी का कलर थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कश्मीरी मिर्च ऐड की है, इसकी वजह से इसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर आपको दिखेगा, अदरवाइज ये एकदम ही येलो होता है। आप चाहो तो इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हो, या फिर जिस तरह से मैंने कहा था कि ग्रीन चिली भी आप इसमें मैश करके डाल सकते हो। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी हमारी जो खांडवी है बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस लग रही है। तो अब हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम लोग एक छोटा सा पैन लेंगे और इसको मैं एकदम स्लो फ्लेम पे रखूंगी और यहाँ पर मैं ऐड करूंगी ऑयल और इसमें हम ऐड करेंगे राई और तिल। इसमें तड़का आ चुका है फ्रेंड, गैस बंद कर देंगे और ये तड़का मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया छिड़क दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी डिलीशियस खांडवी तैयार हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी। बाहर से खाने से अच्छा है कि हम घर पे बनाएं, और लॉकडाउन के लिए बिल्कुल ही परफेक्ट रेसिपी है विद लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स एंड इट्स रियली वेरी टेस्टी। इसको आप ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको मेरे और भी वीडियोस के अपडेट कैसे मिलेंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।